आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। देहरादून के पटेल भवन स्थित परिषद में पुलिस के अधिकारियों और मानव अधिकार के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करण सिंह पुलिस महानिदेशक गढ़वाल ने किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेश टंडन उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस बैठक में विभिन्न थानों के कई पुलिस अधिकारी और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। बतौर पुलिस महानिदेशक गढ़वाल करण ने कहा कि पुलिस और मानव अधिकार के लोगों के बीच में सामंजस्य बनाए रखना समाज के लिए हमेशा आवश्यक होता है। पुलिस का बेसिक काम लोगों के हितों और उनके सम्मान की रक्षा करना होता है। दूसरी ओर पुलिस का काम एनफोर्समेंट का भी होता है, यानी कभी कभी पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ता है। जब पुलिस बल का प्रयोग करती है तो लोगों को लगता है कि वह उनके अधिकार का हनन कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी को लेकर एक बैठक संपन्न हुई जिसमें इस प्रकार से पुलिस और मानव अधिकार और लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित की जाए, इस प्रकार से विस्तृत चर्चा की गई। ये मानवाधिकार आयोग के द्वारा एक एनजीओ की स्थापना की गई थी उस समय, जो मानवाधिकार केंद्र संरक्षण केंद्र के नाम से प्रचलित है देहरादून में। हाईकोर्ट के पूर्व जो जस्टिस है जस्टिस टंडन, इसके अध्यक्ष हैं और साथ ही तमाम यहाँ के गणमान्य जो महानुभाव है देहरादून के, उसके पदाधिकारी है या कई रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स इसके सदस्य है, जो जनता और नागरिकों को हमेशा अच्छे कामों के लिए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए, जो अपने क्षेत्रों में सेवा के लिए अच्छे काम के, उसके लिए जो अभिनंदन और पुरस्कृत करने का कार्यक्रम आयोजित करती रही थी। उसी तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम कई दिनों से था प्रस्तावित, तो मेरे रेंज कार्यालय में यहाँ रखा गया, जिसमें तमाम पुलिस के ऑफिसर्स, बिक्री कर विभाग के अधिकारी, साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों को भी जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया, उनको अभिनंदन किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया और उनके मनोबल को बढ़ाया गया। मतलब इसका थीम यही है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करके उनके मनोबल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि आगे और भी अच्छे काम करने के लिए वो। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।